बेदर्द दयावंती ने नन्ही सी अवनी का कत्ल करने की नापाक कोशिश की है। कलेजे में बदले की आग लिए निष्ठुर दयावंती ने इस छोटी बच्ची पर गोली चला दी। और फिर क्या हुआ जरा वो भी देखिए। हवा में लहराते हुए अवनी खाई में गिर जाती। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना को। छोटी अवनी की शूटिंग का सेट पर ये आखिरी सीन था। बाथटब में डूबते हुए अर्शीन पर ये सीन फिल्माया गया। और फिर नए नामकरण के संग सीरियल से छोटी अवनी यानी अर्शीन की हो गई विदाई। लीप के बाद बड़ी अवनी इस किरदार को आगे बढ़ाएंगी। यहाँ पर मेरा नामकरण हुआ है क्योंकि जब मैंने एंटर किया था तब मैंने अर्शीन नामदार के नाम से एंटर किया था, और जब मेरी एग्जिट हो रही है तो अवनी के नाम से एग्जिट हो रही है। That is a credit to you. Yes, क्योंकि people are going to remember you with this new name. Yes. अर्शीन तो बहुत कम लोगों को पता होगा, याद होगा। So, I congratulate you for that. Yes. बहुत सारी चीजें अटैचमेंट है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उनसे मेरा अलविदा हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ा 1% उदास हो गया। वैसे पर्दे के पीछे बड़ा प्यारा नाता है दयावंती और अवनी का, और अवनी यानी अर्शीन की मम्मी का भी। जब पता चला कि गोली लगने वाली है तो दोनों ने एक दूसरे के सामने देख के स्माइल किया, और थोड़ा इमोशनल मूवमेंट था, पर फिर वापस सीन में घुस गए। मैंने जो श्रीमान श्रीमती सीरियल की थी, दैट वाज हर डेब्यू, और तब से हम जानते हैं एंड शी इज द सेम। उसमें कोई बदलाव नहीं है। घर से बहुत अच्छे अच्छे टिफिन लाती है और हमको सबको बिगाड़ के रखा है उन्होंने। सो आई एम गोइंग टू मिस हर द मोस्ट। वेरी प्राउड टू बी हर मदर। और हर माँ का जो कर्तव्य होता है वैसे ही मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इसके साथ रहूँ, इसको अच्छी तमीज़ तहजीब और अच्छे संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा करूँ और एक होनहार बच्चा बनाऊँ। एक तरफ सेट पर अर्शीन की विदाई का सीन फिल्माया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नए किरदार नील की भी एंट्री का सीन फिल्माया गया बारिश में भीगते हुए। पूरी पूरी कोशिश करूंगा ऑफ कोर्स अच्छे से, एंड या कम बैक है अगेन ऑन स्टार प्लस, दिस टाइम ऑन अ न्यू चैनल। तो जस्ट एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी बैक। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आगे की कहानी में नील और अवनी चोर पुलिस का खेल खेलते नजर आएंगे, या यूं कहें कि सीरियल नामकरण की कहानी में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।